नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। ओमान को भारत सरकार ने मेड इन इंडिया वैक्सीन की 1,00,000 डोजें मस्कट में पहुंचाई हैं। जी हां, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमने दोस्ती को सर्वोपरि रखा है और ओमान को हमने 1,00,000 मेड इन इंडिया वैक्सीन पहुंचाया है और इसका कोई भी चार्ज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओमान से नहीं लेगी। ये दोस्ती की एक मिसाल ही है कि बुरे समय में ये दोनों देश एक दूसरे के साथ एकदम मजबूती से खड़े रहते हैं। श्रम मंत्रालय ने एक अपडेट जारी किया है कि ओमान में वर्क परमिट का जो सिस्टम है वो काफ़ी पुराना है। जो भी विदेशी वर्कर ओमान में जाते हैं उनको श्रम मंत्रालय से वर्क परमिट इशू कराना पड़ता है कंपनियों को, और जो कंपनियां हैं इसका बहुत दुरुपयोग भी कर रही हैं, क्योंकि वर्कर कोई और काम करता है, उसका परमिट कुछ और जारी होता है और उसको सैलरी कुछ और मिलती है। इस चीज़ को सुधारने के लिए नए आवेदन प्रणाली से इसको एक्सचेंज किया जाएगा, लेकिन परमिट लेना ही होगा। लेकिन पूरी तरह से प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जो पेमेंट है ऑनलाइन होगा, और जिस वर्कर के लिए जो परमिट श्रम मंत्रालय इशू करेगा उसको वही काम करना होगा। श्रम मंत्रालय ने अपने अपडेट में बताया है कि ओमानिज्म करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ओमान के युवाओं को जो मार्केट में जॉब है उसके तरह उनको ट्रेनिंग देना। बिना ट्रेनिंग के कोई भी ओमानी कोई काम नहीं कर सकते हैं, जितना कि जो विदेशी वर्कर हैं वो पूरी तरह स्किल्ड हैं। जिस काम के लिए जाते हैं वो चाहे टेक्नीशियन हो, ऊंचे पदों पे हो या फिर वर्कर, वो उस काम को बखूबी अंजाम देते हैं। लेकिन ओमानी जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ये जान चुका है कि बिना ट्रेनिंग के हम ओमानी युवाओं को रोज़गार नहीं दे पाएंगे, जिसके तहत इस साल लगभग 65,000 ओमानियों को ट्रेनिंग देगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, जिसमें 40,000 महिलाएं भी शामिल हैं। संस्कृति, खेल और युवा मंत्री महामहिम सैयद वेजिन ने ओमान क्रिकेट एसोसिएशन का दौरा किया है, यहाँ खिलाड़ियों से मुलाकात की और इसमें इंडोर और आउटडोर जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं उसकी जांच की, उसके बारे में काफ़ी प्रशंसा की है। ICC के द्वारा ओमान को वनडे, T20 और टेस्ट मैच आयोजित करने का परमिशन मिल गया है, लाइसेंस मिल गया है। आने वाले दिनों में आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्रिकेट देखने को मिल सकता है। सलाम एयर को ओमान में ऑपरेट करते हुए लगभग 4 साल हो गए हैं और इसकी वर्षगांठ मनाई जा रही है। सलाम एयर के CEO कैप्टन मोहम्मद ने बताया है कि 2020 का जो समय था वो सबसे चुनौतीपूर्ण और कठिन समय था, लेकिन हमारे जितने भी केबिन क्रू हैं, वो चाहे जो भी कर्मचारी हैं, इसको सक्सेसफुली पार किया है और आने वाले समय में हम वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी यात्रियों को देंगे। कैप्टन मोहम्मद ने बताया है कि हम लगभग 4 मिलियन यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचा चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ ओमान ने 1 जनवरी 2021 से NOC का रूल हटा लिया है, लेकिन इसमें कुछ रूल एंड रेगुलेशन है, तभी जाकर के आप NOC का फ़ायदा ले सकते हैं। सबसे पहला रूल ये है कि आप जिस भी कंपनी से काम करने के लिए ओमान में गए हैं उस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट आपको सक्सेसफुली कंप्लीट करना होगा। वो चाहे कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने का हो, 6 महीने का हो, 1 साल का हो या 2 साल का, उसके बाद ही आप अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं। उसके पहले आप सोचें कि मैं भाग करके दूसरे कंपनी में जाके बोलूँगा भाई NOC तो अभी ख़त्म हो गया, मुझे जॉब दीजिए, तो आपको प्रूफ दिखाना होगा कि पहली कंपनी में आप जिस कॉन्ट्रैक्ट पे आए थे क्या आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर लिया है, तभी जा करके दूसरी कंपनी आपको जॉब पे रखेगी। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि भाग करके जॉब आप चेंज करेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अगले अपडेट की बात करें तो ओमान में इस समय आटे की जो कीमतें हैं काफ़ी बढ़ गई हैं और पशुओं के चारों की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। इसके बारे में ओमान फ्लोर मिल्स ने एक सफाई दी है कि हम जो कच्चा माल खरीदते हैं उसके दाम बढ़े हुए हैं, यानी कि गेहूं, जो वैश्विक स्तर पर गेहूँ का जो मार्केट है उसके दामों में काफ़ी वृद्धि देखी जा रही है, और जब तक ये दाम वापस से गिरेंगे नहीं तब तक गेहूँ के जो प्रोडक्ट हैं, आटा, पशुओं के चारे, इसके दाम कम नहीं होंगे। लेकिन ओमान फ्लोर मिल्स ने बताया है कि जैसे ही इसके दाम कम होंगे हम बढ़े हुए दामों को वापस ले लेंगे। एयर इंडिया ने एक जानकारी साझा की है कि जो भी व्यक्ति फ्रांसिस्को और दिल्ली के बीच यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए बुकिंग ओपन कर दी गई है। 11 फरवरी से 25 मार्च 2021 तक ये फ्लाइटों का शेड्यूल रखा गया एयर इंडिया के द्वारा। यदि आप बुकिंग कराना चाहते हैं तो आप प्लीज़ airindia.com पे जा करके विज़िट कीजिए।